सो व्हाट इज अप लवली पीपल्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हुए। टेक्निकल भोपाल की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं मनीष शर्मा। गाइस जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली है हीरो एक्सट्रीम 160R मॉडिफाइड के ऊपर, कि हीरो एक्सट्रीम 160R को आप किस तरीके से जो है मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि रिसेंटली जो है हीरो के हीरो मोटोकॉर्प के इवेंट में हीरो ने शोकेस करी है एंड बहुत जल्दी जो है शोरूम्स में आने वाली है ये गाड़ी। एंड बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है कि इसको किस तरीके से मॉडिफाइड करवाएं, तो आज मैंने जो है कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और एंड इसकी जो है एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो वो जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगी एंड लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। आज जो है मेरे पास कमेंट आया था टॉप 5 बीट्स का, कि भाई इसकी जो है एक और सीरीज निकालो और जो है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करो हीरो एक्सट्रीम 160R के इस प्रोजेक्ट में एंड थोड़ा बहुत जो है और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके जो है हमें बताओ बिना भूले। तो भाई बिल्कुल जो है मैं बिना भूले ही इस वीडियो को सबसे पहले मैंने बनाया है एंड मैंने जो है ये आपको बताया है पूरे प्रोजेक्ट्स को बना के एंड इसके अंदर जो है मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। पुरानी वीडियोस से मैंने थोड़ा सा कंटेंट भी लिया है एंड नए कंटेंट को जो है उसमें मिक्सअप करके एक बहुत ही बढ़िया चीज मैंने आपको जो है शोकेस करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहला जो है मॉड इसके अंदर जो हो सकता है आने वाले टाइम में आप करवा सकते हो, वो है रियर मडगार्ड का, या फिर आप बोल सकते हो जो नंबर प्लेट का सेक्शन होता है उसको जो है आप निकलवा सकते हो एंड वहां पे जो है टेल टाइडी लगवा सकते हो। टेल टाइडी आप जो है उसमें इंस्टॉल करवा सकते हो, छोटी सी जो नंबर प्लेट आती है जो कि आपको आफ्टर मार्केट बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो वो जो है आप इसकी जगह जो है इंस्टॉल करवा सकते हो। तो इसका जो लुक है वो और ज्यादा इन्हेंस हो जाएगा। जो आपका स्टॉक में आती है हीरो एक्सट्रीम 160R में, उसका जो है रियर मडगार्ड को निकाल के आप वहां पे टेल टाइडी इंस्टॉल करवा सकते हो। सेकंड मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे जो है आप इंजन कवर होता है या फिर आप इंजन कॉल बोलो, तो उसको जो है आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हो जैसे ही गाड़ी आएगी शोरूम्स में। तो उसके बाद जो है इसके मैन्युफैक्चरर्स जो आफ्टर मार्केट में जो है इसके लिए चीज़ें बनाते हैं, तो वो जो है ऐसी चीज़ें बनाने लगेंगे या फिर ऑफिशियली कंपनी भी जो है थोड़े बहुत इसके लिए मॉडिफिकेशन निकालेगी, जो आफ्टर मार्केट आप जो है अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हो अपनी गाड़ी का जो है लुक एनहेंस करने के लिए, जो कि एक्सेसरीज किट में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा कंपनी के थ्रू या फिर आफ्टर मार्केट में। थर्ड मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो थर्ड मॉडिफिकेशन है विंड ब्लास्टर का। जो विंड ब्लास्टर होते हैं हीरो एक्सट्रीम 160R में, ऐसा कुछ विंड ब्लास्टर वाला जो है कुछ नहीं दिया गया, बट आफ्टर मार्केट जो है आप लगवा सकते हो। अगर आप इससे जो है राइडिंग वगैरह करते हो या फिर कहीं लंबे टूर पे जाते हो या फिर आपको जो है अपना गोप्रो वगैरह माउंट करना होता है, तो इसके लिए जो है आप विंड ब्लास्टर खरीद सकते हो, जिससे कि आपको जो है विंड के फ्लो में भी आपको जो है हेल्प मिलेगी एंड इसके साथ जो है आप गोप्रो वगैरह आपका जो इंस्टॉल वगैरह करना हो, अगर आप राइडिंग वगैरह करोगे इसके साथ, तो गोप्रो भी जो है आप इंस्टॉल आराम से इजिली कर सकते हो। अब गाइस अगर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो फोर्थ पॉइंट में आप ऐसा क्या धमाल करवा सकते हो, तो इसको जो है आप 1R कॉन्सेप्ट जैसा लुक दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट में आपके लिए यही लाने वाला हूं कि 1R कॉन्सेप्ट जैसा। अब यार सुनने में आपको बहुत मतलब वैसा लग रहा होगा कि एडिटिंग में इजीली होता है, बट इसको अगर अपन रियलिटी में करवाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा। बट भाई हमारे यहां पे जो हमारे इंडिया है उसमें ऐसे ऐसे कलाकार व्यक्ति बैठे हैं जो डोमिनार 400 को हायाबुसा में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो गाड़ी का पूरा लुक ही बदल देते हैं, तो ऐसे जो है आप चिंता वाली कोई बात मत करो। लेकिन ये जो 1R कॉन्सेप्ट वाली गाड़ी का ये हीरो एक्सट्रीम 160R का कन्वर्जन होगा, ये बहुत टाइम बाद होगा। ये एकदम से नहीं होगा कि जैसे ही गाड़ी आई और इसको जो है काटा पीटी करके वैसा बना दिया, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस तरीके जो है गाड़ी का लुक आप कर सकते हो हीरो एक्सट्रीम 160R का, जो कि आपको प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूं कि पीछे की जो अगर आप सिटिंग वगैरह को थोड़ा सा बदल दोगे तो एक राइडर के लिए आराम से हो जाएगा, बट पिलियन इस गाड़ी पे नहीं बैठ सकता है क्योंकि पिलियन के लिए कंफर्टेबल सीट नहीं होगी ये एंड आपको जो है पीछे से अच्छा खासा लुक गाड़ी में देखने को मिलने वाला रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया या नहीं पसंद आया, पीछे का लुक कैसा लग रहा है आपको। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो फिफ्थ मॉडिफिकेशन आप किस तरीके का अपनी गाड़ी में कर सकते हो, वो है आपकी हाइट एडजस्टमेंट का। आप इसकी गाड़ी की हाइट को बढ़ा सकते हो, मतलब अगर अपन देखें तो शॉकअप आपको जो है देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके सेंटर में, सीट जो राइडर बैठते हो उसके सीट के नीचे। तो आपको जो है आराम से मोनो शॉकअप को आप जो है एडजस्ट करवा सकते हो अपने हिसाब से। आफ्टर मार्केट बहुत सारे शॉकअप्स आते हैं हाइट एडजस्टमेंट के लिए, तो वो आप जो है इंस्टॉल करवा सकते हो चेसी और इसके जो व्हील के बीच में। तो यहां पे जो है ये सीन होगा कि इसकी जो है हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, तो गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ज्यादा मजा आया होगा। वीडियो मजा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल यूजर नेम आपको नजर आ रहा होगा। एंड टॉप 5 बीट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है क्वेश्चन पूछने के लिए, मैंने आपको जो है रिप्लाई कर दिया है एंड आप भी जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एंड मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर से करूंगा एंड वीडियो डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए भी लेके आऊंगा। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।